अमरनाथ सिंधु है जो कि इंडिया के एक छोटे से विलेज से ताल्लुक़ रखती हैं और आज वो मिस यूनिवर्स। इंडिया ने बहुत स्ट्रगल किए ठीक है, और इंडिया पिछले कई सालों से स्ट्रगल कर रहा है। 21 ईयर्स के बाद जाके जो है इंडिया को इस मकाम पे लाया। जो इंडिया है वो टैलेंट को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है और ये बहुत अच्छी बात है। इंडिया में आप देख सकते हैं इतने ज़्यादा न्यू फेसेस आते हैं, यंगस्टर आते हैं, और आज आप देख सकते हैं वो कहाँ कहाँ किस किस मुकाम पे। जो कल्चर है फैशन का वो इतना नहीं है यहाँ पे, अभी ग्रूम्ड पॉलिश नहीं है एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया इज़ वर्किंग वेरी गुड इन दिस डिपार्टमेंट, स्पेशली छोटे से विलेज से है। और आज जिस तरह भारत जो है वो मतलब ना सिर्फ टैलेंट को निकालता है, उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट भी कर रहा है। वी कैन मस्ट अप्रिशिएट इंडिया कि वो अपने टैलेंट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, उसकी कॉन्फिडेंट, इससे उनका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता है, जैसे कि ये चीज़ हमारे मुल्क में इतनी नहीं। इसकी वजह ये है कि हमारी सोसाइटी में अभी भी ये देखा जाता है कि शायद लड़की लड़के से कम है। जय हिंद दोस्तों, इंडिया की हना संधू ने इसराइल में होने वाली मिस यूनिवर्स का खिताब जीत लिया है। ये भारत का तीसरा मिस यूनिवर्स खिताब था जो कि 21 साल बाद आया था। हना संधू पंजाब के चंडीगढ़ से ताल्लुक़ रखती हैं। इस अचीवमेंट की बात बॉर्डर पार होना तो बनता ही है। पाकिस्तान में इस्लामिक कानून चलता है तो वहाँ महिलाओं के अधिकार भारतीय महिलाओं से कम है। आज तक पाकिस्तान ने एक भी मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड खिताब नहीं जीता है। इसी को लेकर आगे वीडियो में यूट्यूबर रिबाह खान ने कुछ पाकिस्तानी लड़कियों से उनके विचार जाने हैं। पाकिस्तानी महिलाओं का वहाँ सरकार को लेकर साफ साफ दर्द समझा जा सकता है। जिस देश में कुछ कट्टरपंथी ग्रुप शरिया लागू करना चाहते हैं और इन कट्टरपंथी ग्रुप को पाकिस्तान की सरकार भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि महिलाओं का क्या हाल होगा। इंडिया में स्पोर्ट्स से लेकर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी में महिलाओं अपनी जगह बना रही हैं। पाकिस्तानी लड़कियों का हना संधू को लेकर रिएक्शन पॉजिटिव था और वो भी चाहती हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट उन्हें भी सही मौका दे। तो चलिए आगे देखते हैं रिएक्शन। आज की डेट में अपना इन्फ्लुएंस हर जगह जमा रहा है और हम देखते हैं कि हर मुल्क, हर जगह, हर फील्ड में हम भारत का इन्फ्लुएंस ओवरऑल द वर्ल्ड बढ़ते हुए देख रहे हैं। और आज ये भारत को टाइटल 2021 की नॉमिनेशन हुई है जिसमें हरनाज संधु को सेलेक्ट किया गया है, यानी कि उनको ये टाइटल दिया गया है मिस यूनिवर्स 2021 का। उनका ताल्लुक जो है इंडियन रीजन से, इसको आप कैसे देखते हैं? इसको मैं ये देखती हूँ कि इंडिया ने बहुत स्ट्रगल किए ठीक है, और इंडिया पिछले कई सालों से स्ट्रगल कर रहा है। 21 ईयर्स के बाद जाके जो है इंडिया को इस मकाम पे लाया गया है। और जिनकी आप नाम ले रही हैं कि जो मिस यूनिवर्स सेलेक्ट होती हैं, मिस हरनाज, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किए हैं, बहुत एफ़र्ट्स किए हैं, और मुझे इंडिया इस मामले में बहुत आगे जाता नज़र आ रहा है क्योंकि पिछले कई सालों से वो बहुत एफ़र्ट्स कर रहा है। और इसके पीछे उनकी ऑब्वियसली बहुत स्ट्रगल होगी तभी जाके वो मिस यूनिवर्स बनी है, आई थिंक सो। हाँ, इसको मैं ऐसे देखती हूँ, आई रियली अप्रिशिएट हर बिकॉज जो हमारी फैशन इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई और हमें फैशन को लेके, और आजकल की जैसे गर्ल्स हैं उनको फैशन का बहुत शौक है, तो मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि वो अपने आप को इनहेंस रखे, ग्रूम। ये भी है कि जो इंडिया है वो टैलेंट को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है और ये बहुत अच्छी बात है। इंडिया में आप देख सकते हैं इतने ज़्यादा न्यू फेसेस आते हैं, यंगस्टर आते हैं, और आज आप देख सकते हैं वो कहाँ कहाँ किस किस मुकाम पे हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द बिग अपॉर्चुनिटी फॉर हर एंड डेफिनेटली वी आर हैप्पी बिकॉज जो हमारी के लिए, अपनी दुनिया के लिए होगा, तो वी आर वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम इंडिया एंड आई रियली लव फ्रॉम इंडिया फ्रॉम माय हार्ट। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी, अप्रिशिएट करती हैं? जी, मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करती हूँ। हमारा यहाँ पे जो कल्चर है फैशन का वो इतना नहीं है यहाँ पे, अभी ग्रूम्ड पॉलिश नहीं है एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया इज़ वर्किंग वेरी गुड इन दिस डिपार्टमेंट, स्पेशली इन फैशन एंड इन एवरी वे। सो मैं भी चाहूँगी कि इंशाल्लाह हमारा भी पाकिस्तान का भी फैशन इस तरह प्रमोट हो, इस तरह उनका काम हो, ताकि सबको अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले यहाँ पे सबके लिए। ये जो इंडिया है ना, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है वहाँ के टैलेंट को, तो ये चाहिए कि पाकिस्तान में भी, मतलब चाहिए हमारी गवर्नमेंट को भी कि वो भी टैलेंट जो है, जिसमें जो जो टैलेंट है वो आगे लेके आएँ, वो भी इसको प्रमोट करें, ताकि फिर मतलब हमारी कंट्री भी उसके उसमें भी, ये जो चार में भी बहुत टैलेंट भरा हुआ है। हाँ, मौका तो लेके देखें, मौका देके देखें, ये जो छोटे छोटे टैलेंट छुपे हुए हैं वो ढूंढे उनको और उनको सामने लेके आए। तो ये मैं कहना चाहूँ, वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है हर फील्ड में। हम देखते हैं भारत आगे जा रहे हैं, यानी कि भारत की वुमेन जो हैं वो बहुत ज़्यादा लीड रोल प्ले कर रही हैं, चाहे वो जो मर्जी ऑर्गेनाइजेशन पे हम देखते हैं। अगर हम हरनाज संधू की बात करें तो उनका ताल्लुक एक छोटे से विलेज से, इंडिया के छोटे से विलेज से है, और आज जिस तरह भारत जो है वो मतलब ना सिर्फ टैलेंट को निकालता है, उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट भी कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि इस सारे सिनेरियो को देखते हुए आप क्या कहेंगे?
आई थिंक मेरा ख्याल है वुमन्स को ये राइट्स देने चाहिए, उनको भी जीने का प्रॉपर हक है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह लड़कों को है, वो अपनी वुमन्स को जो है वो बहुत राइट्स देते हैं, तो पाकिस्तान को भी देना चाहिए। हमें वुमेंस को उनके राइट दिए जाते हैं, दैट्स व्हाई इस तरह के टैलेंट सामने आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, उनकी फिल्म इंडस्ट्री, उनकी मीडिया इंडस्ट्री जो है वो हमारे से बहुत आगे, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि वो हमारे से आगे हैं। मैम आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि हमें भी पाकिस्तान में इस तरह का कल्चर लेकर आना चाहिए, यहाँ पर भी फैशन शोज और इस तरह के ये जैसे अभी ये हो रहा इंडिया में हुआ मिस यूनिवर्स का, इस तरह यहाँ भी होना चाहिए और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। Exactly. इंशाल्लाह फिर मैं भी आऊँगी उसमें। थैंक यू। भी है लेकिन हम लोग अपनी गवर्नमेंट को अब अपने मुल्क को भी बुरा नहीं कह सकते, हम लोग बस ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग भी जो हमारी गवर्नमेंट है, जो लोग हैं वो छोटे छोटे टैलेंट्स को ढूंढें और उनको प्रमोट करें, उनको चांस दें, ताकि हमारा मुल्क भी जो है वो भी आगे आए। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। मैम आप क्या कहना चाहेंगी? यही कि मतलब चांस मिलना चाहिए हमें भी और आगे बढ़ने के लिए, मेरे ख्याल से तो हम भी बहुत कुछ करके दिखाएंगे, भारत के मुकाबले में आएंगे हम लोग, जीत के दिखाएंगे इंशाल्लाह। सोसाइटी में अभी भी ये देखा जाता है कि शायद लड़की लड़के से कम है, और अभी भी ये कहा जाता है कि लड़कियों को ये राइट्स नहीं है, वो कुछ भी कर सकें, जबकि ये गलत बात है। मुझे लगता है अब तो आप देखें हर फील्ड में लड़के, इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, माशाल्लाह होते हैं, कि लड़कियों को लड़कों के मुताबिक नहीं समझा जाता। दे से डेट के लड़कियां यू नो जस्ट शादी कर लेनी चाहिए और वो कुछ नहीं करते। तो पाकिस्तान में सबसे पहले करप्शन खत्म होनी चाहिए, पर्ची सिस्टम खत्म होना चाहिए, और लड़कियों को हेरेसमेंट जो करते हैं लोग, अगर आप कहीं भी मीडिया में जाएँ तो हेरेसमेंट बहुत होती है, उस चीज़ को स्टॉप करना चाहिए। जब वो चीज़ स्टॉप होगी तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव वाइब आएगा गर्ल्स के लिए और वो इस चीज़ में मूव ऑन होंगी, और फैमिलीज़ को भी चाहिए कि वो थोड़ा सा ग्रूम्ड हो अपनी और ये पुरानी सोच को हटाएं और थोड़ा सा मॉडर्न एरा की तरफ कंटिन्यू करें अपनी सोच को। मस्ट लर्न फ्रॉम इंडिया। हमें खाली ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे टर्म्स अच्छे नहीं हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, बट वी आल्सो नीड टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम इंडिया। डेफिनेटली व्हाई दे आर सो सक्सेसफुल राइट नाउ, डिड यू एवर इमेजिन हम वो क्यों इतने सक्सेसफुल हैं, हम लोग क्यों नहीं हैं, इसकी क्या वजह है, हम लोग क्यों हर चीज़ में पीछे हैं? इसकी वजह ये कि हमारा जो मेंटल सिस्टम है, जो हमारी साइकोलॉजी है, हम उस चीज़ में पीछे रह गए हैं। जी जी हम बहुत पीछे रह गए हैं, हमारी सोच ही नहीं आगे बढ़ी।